असलम स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स से हम जी एस पी पे काम कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम जी एस पी के अंदर जावा बीस का इस्तेमाल देखेंगे जावाबीन्स एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जावा की कुछ क्लासेस को दी जाती है किन क्लासेस को दी जाती है और क्यों दी जाती है और इसका यूज़ क्या है आज के लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे लास्ट लेक्चर में जब हमने जीएसपी का जिक्र शुरू किया था तो हमने उसमें कहा था कि जीएसपी के डायरेक्टिव्स देखे थे जीएसपी के हमने स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स देखे हैं एंड वी है जी एस पी पेज इज एग्जेक्टलीट एवरी जी एस पी गेट्स ट्रांसलेटेड इन टू अट वी हैव सीन दैट डिफरेंट स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स इन अ जी पेज दे गेट ट्रांसलेटेड इन टू अरेस्पॉन्डिंग सर्वलेट कोड सिमिलरली इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ट अबाउट जी एस JSP directives are used to give certain information, important information to the server, how to run this servlet, what are the different packages that we need to import, and many more things. So we have seen what are JSP directives. We have also seen what are scriptlets. इसके साथ ही हमने कुछ इस बारे में भी बात की थी कि जब आप JSP एक पेज हमने कुछ चार JSP की पांच JSP की शायद एक एग्जांपल बनाई थी जिसमें हम एक से सेकेंड JSP पे आते थे जिसको हमने कंट्रोलर JSP का नाम दिया था एंड बेस्ड अपन कि यूजर ने क्या आ, अपनी चॉइस ली है उसने वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के रेडियो बटन पे क्लिक किया है या जावा के रेडियो बटन पर क्लिक किया है हमें एक पेज को डिस्प्ले कर देते थे आधर वेब डिजाइन एंड डिवेलपमेंट के पेज को या जावा के पेज को आज हम उस जब हम अपना स्टार्ट करेंगे तो हम उसी एग्जाम्पल को कुछ आगे लेके चलेंगे इसमें कुछ चीजें एड करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम uh, देखना चाहते है कि अभी तो हमारी एग्जाम्पल जो क्या कर रही है कि जावा के एक पेज से एक जीएसपी पेज पे हम ये इंडिकेट करते हैं कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं आई दर वी वॉन्ट टू गो टू द वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट पेज और वी वॉन्ट टू गो टू दावा पेज एंड बेस्ड ऑन दैट चॉइस वी मूव टू आर कंट्रोलर जी एस पी री डायरेक्श टू दैट पर्टिकुलर पेज टूडे सी हाउ वी कैन कनेक्ट आर डेटा बेस हाउ वी कैन कनेक्ट दिस जी एस पी विद डेटा बेस and how can we use that database inside this jsp code so usme hum karenge ye ki inside a database we will create a table this mein, uh, we will put the different things jaise jo java ki outline hai ye web design and development course ki outline hai we will put that outline inside that database and then when we move to that page java ke page pe, web design and development ke page pe, we will fetch that outline from the database and we will display it on the jsp हमने इस बात पे थोड़े से जिक्रे इस, इस, इस बारे में बात की थी कि जीएसपी पेज पे यू कैन राइट एनी जावाड स्क्रिप्टलेट के ऊपर जब डिस्कशन हो रही थी तो हमने कहा था ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर यू कैन राइट एनी जावा कोड दैट जावर गोड गेट्स ट्रांसलेटेड इन टू दी एस पी सर्विस मैथड जो की इवेंचुअली उसके बराबर है आपके सर्वलेट की डू गेट या डू पोस्ट मैथड के बराबर है सो वट वी कैन डू इन्स वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ जावाड इन

एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो जो हमारी लास्ट अप्लीकेशन थी उसका कुछ फ्लो थोड़ा सा देख लें हमारे पास एक इंडेक्स डॉट जीएसपी पेज था इंडेक्स डॉट जीएसपी पेज से हम मूव करते थे कंट्रोलर डॉट जीएसपी पेज पे ये मूव कैसे करते थे कि हम इंडेक्स डॉट जीएसपी पेज पे हम एक ऑप्शन लेते थे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट की या जावा की बेस्ड अपॉन दैट ऑप्शन कंट्रोलर के अंदर हम रिडायरेक्ट करते थे अपने आप को वेब डॉट पेज पे या जावा डॉट पेज पे अब इस एग्जाम्पल में हम करेंगे ये कि इन दोनों वेब डॉट पेज पे और जावा डॉट पेज पे अपनी कोर्स आउटलाइंस भी दिखाएंगे तो लास्ट लेक्चर में जैसा हमने डिस्कस किया था यह हमारे पास एक पेज था जिसपे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट और जावा के दो रेडियो बटन्स थे यहाँ पे अगर हम जावा के रेडियो बटन पर क्लिक करके सबमिट प्रेस करते हैं तो हम वेलकम टू जावा पेज पे आ जाते थे और अगर हम वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो वेलकम टू तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के पेज पे आ जाते थे कोड के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स डॉट था उसमें सिर्फ कोडिंग हुई हुई थी रेडियो बटन की और सबमिट बटन की कंट्रोलर डॉट में हमारी लॉजिक थी जो कि हमें बेस्ड अपॉन कि यूजर ने क्या चीज सिलेक्ट की है क्या यूजर ने वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेलेक्ट किया या यूजर ने जावा सिलेक्ट किया इस चॉइस के ऊपर बेस करके वो हमें उस पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देती थी तो so, कंट्रोलर के अंदर जो लॉजिक थी उसमें हम सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑट गेट पैरामीटर करके देखते थे कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है जो पेज यूजर ने सिलेक्ट किया होता था उसके ऊपर एक फर्स की कंडीशन लगा के वी कैन रीडायरेक्ट आर रिस्पांस रिस्पांस को हम रीडायरेक्ट कर देते थे वेब डॉट जीएसपी या जावा डॉट जीएसपी पे अब जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम जो अपनी जावर डॉट जीएसपी और वेब डॉट जीएसपी है उसपे कोर्स आउटलाइन भी दिखाएंगे उसकी एक एग्जीक्यूशन देख लें आप ये आपके सामने दूसरी हमारी एग्जांपल आ रही है इसमें जब आप जावा की ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो आप जावा के पेज पे मूव करते हैं और ये आप देखें कि आपके सामने ये आउटलाइन भी उसकी आ रही है ये जो आउटलाइन आपके सामने आ रही है इसके अंदर ये हार्ड कोडेड नहीं है ये डेटा से जनरेटेड आउट है ना यानी इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज है वो हमने डेटा में डाली हुई है और डेटाबेस से उन वैल्यूज को हम पेक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं इसी तरह अगर आप वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट की आउटलाइन हमारे सामने आ जाती है तो अब देखना यह बाकी है कि हमारे वेब डॉट जीएसपी और जावा. डॉट जीएसपी के अंदर क्या कोडिंग हुई हुई है तो ये जो भी आपने हमारे सामने एग्जाम्पल देखी है इसमें हमने किया यह हुआ है कि डीबी के अंदर अपने दो टेबल्स बनाए हुए हैं। एक टेबल के अंदर हमारे पास कोर्स का नेम है कोर्स की आईडी है और दूसरे टेबल के अंदर उस कोर्स की आईडी के कॉरस्पॉन्डिंगली कोर्स के टॉपिक्स और सेशंस के नंबर हैं कि कौन सा कौन से सेशन में हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या असाइनमेंट दे रहे हैं ये सारी चीजें डेटाबेस का ये स्ट्रक्चर आप कुछ भी स्ट्रक्चर रख सकते हैं डेटाबेस का ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे अब मेन हम कॉन्सनट्रेट करते हैं कि अपनी हमारी लॉजिक क्या है तो लॉजिक आप भी गेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जेडी से रिलेटेड काम आप कर चुके हैं हमने बेसिकली किया यह हुआ यहाँ पे पर्सन टैक्ट जहां पे हमने शुरू किया है वेब डॉट जीएसपी के अंदर और जावा डॉट जीएसपी के अंदर उसके अंदर वही सारा जेडीबीसी का कोड लिखा है जो हम जेडीबीसी के लेक्चर में पढ़ते आए सो so, हमने वहाँ पे क्या किया वी हैोडेड द ड्राइवर क्लास डॉट फोर नेम करके देन वी ओपन अ कनेक्शन विदाबेस वी क्रिएटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड देन वी एग्जीक्यूटेड अ क्वेरी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी आर धैन प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द जी एस पी पेज उसमें ऑबियसली हमने एच टी एम एल का इस्तेमाल किया आप देखा है कि रिजल्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में आ रहे हैं तो एच टी एम एल टेबल यूज हुआ, हुआ हुआ है ये सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन होती है जो भी जावा का कोड होता है जीएसपी पेज के अंदर जैसे हमने पहले जिक्र किया कि एक सर्वलेट में चला जाता है ये सर्वलेट के ये कोड जो है इट रन ऑन द सर्वर सर्वर पे रन होता है एंड रिजल्टेंट आउटपुट इज सेंट बैक टू द्लाइंट सो क्लाइंट को जो चीज मिलती है दैट इज नॉट ए जावा कोड दैट इज एन एच टी एमएल

तो आपके सामने हमने जो पेज खोला है वो अपनी एप्लीकेशन का इंडेक्स डॉट जीएसपी है उसका जब अगर आप कोड देखें तो ये वही सिंपल एच टी एम एल कोड है जिसमें हमने दो रेडियो बटन बनाए हैं एक रेडियो बटन की वैल्यू है वेब और उसके आगे लिखा हुआ है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट और दूसरे रेडियो बटन की वैल्यू है जावा एंड इन फ्रंट ऑफ दट रेडियो बटन एट द बॉटम वी हैव सबमिट बटन दैट विल सबमिट द डेटा टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जीएसपी पेज जिसको हमने एक्शन एलिमेंट में दिया होगा फॉर्म के अंदर अगर आप फॉर्म के टैग में देखें टॉप पे तो फॉर्म का नेम है माई फॉर्म और एक्शन है कंट्रोलर डॉट जीएसपी यानी इस पेज से जो भी डेटा सबमिट होगा दैट डेटा विल बी सबमिटेड टू कंट्रोल डॉट जीएसपी एंड एन साइड द कंट्रोलर डॉट जीएसपी वी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटा लुक एट द कंट्रोलर डॉट जीएसपी एन साइड द कंट्रोलर डॉट जीएसपी वी है वैल्यू ऑफ द पेज पैरामीटर Request.get parameter use we have retrieved the value of the page parameter and we have stored that value inside a string known as page name. Then based upon the value that user has selected, we have redirected our response to that particular page. So if user has selected the web.jsp page, we have sent a redirect to the web.jsp and if the user has selected the java page, we are sending a redirect to java.jsp page. So, what we are doing inside the controller.jsp is just the redirection thing. We are receiving the choice of the user, and based on that choice, we are redirecting our browser to that particular page. If you the pages, there is no change the pages because we in the last application. Now, let's take a look at the java.jsp and web.jsp page. I will ignore the HTML part of this page. At the top, we have used the page directive. To import java.sql library, you know that we need to use that java.sql package if we want to connect to database, if you want to use JDBC. So that is why we have imported that library over here. And as we have discussed in the last lecture, in order to import any library, you need to use the page directive. So percent ke baad at the rate ka sign lagaya hai, uske baad page word like indicate kiya this is the page directive. Now using this page directive. We have used its attribute import and we have imported the java.sql package. Now, in the middle of the page, you can see that we have opened up scriptlet, tag usek, and we have opened up a scriptlet. Inside a scriptlet, we have written our traditional JDBC code. As a very first step, we have loaded the driver using the class.forName method. So, we have loaded our driver, sun.jdbc.odbc.jdbc.odbc driver. एंड देन वी हैव क्रिएटेड जिसमें जेडीबीसी कोलोनडीबीसी प्रोटोकॉल को इंडिकेट कर रहा है और कोर्स डीएसएन हमारे डीएसएन का नाम है डेटा बेसिंग दिस यू आर एल और उसके लिए हमने ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड यूज किया है नेक्स्ट कम दस क्यूएल बनाने के लिए वी हैव रिटर्न सिलेक्ट सेशन नंबर टॉपिक एंड असाइनमेंट फ्रॉम कोर्स एंड सेशन डिटेल ये दो टेबल्स है जिसमे से हम सिलेक्ट कर रहे हैं और दोनों को ज्वाइन किया हुआ है कोर्स आई डी के ऊपर और कोर्स का नाम जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिटेल्स आएंगे क्वेरी so ये यह हमने यहाँ पे बनाई हुई है क्योंकि हमारे दो हैं हमने जॉइंट्स उसमें यूज किए हुए हैं ज्वाइंट आपको आते हैं एंड गुड अगर आपको जॉइंट्स नहीं आते यू कैन यूज अ सिंपलर डिजाइन जिसमें एक टेबल में से आप ये चीजें ले सकते हैं उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया है कि अपना पैरामीटर सेट किया है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्विंग वन कॉमर जावा यहाँ पे जावा हार्ड कोड हुआ हुआ है और ये वो जावा इसलिए हॉट कॉर्ट हुआ कि यहाँ पे जावा डॉट जीएसपी पेज पे हम और हम जावा से रिलेटेड डिटेल लेना चाह रहे हैं हम यहाँ पे भी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके निकाल सकते थे अगर हमने कंट्रोलर डॉट जी एस पी से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की होती वहां से क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे वो रिक्वेस्ट का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है सो so, यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया जो कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है लेकिन जस्ट टू मेक थिंग सिंपल हमने यहाँ पे हार्ड कोडिंग यूज की है उसके बाद वी हैव एग्जीक्यूटेड क्वेरी एंड वी है आगे जा रहे हैं हम क्या करते हैं कि सेशन नंबर निकाल लेते हैं टॉपिक निकाल लेते हैं और असाइनमेंट निकाल लेते हैं रिजल्ट सेट में से और अगर असाइनमेंट की वैल्यू किसी चीज की वैल्यू ना है तो उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देते हैं असाइनमेंट को हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया है अगर असाइनमेंट की वैल्यू ना लै यहा एक बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज देखें कि हमने इफ की ब्राकेट क्लोज करने के बाद अपना स्क्रिप्टलेट क्लोज कर दिया है अब स्क्रिप्टलेट क्लोज करने का मतलब है कि जावा का कोड यहाँ पे अभी तक खत्म हो गया है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर लूप की ब्रैकेट हमारी यहाँ पे नहीं हमने जो वायल लिखा हुआ है उसकी ब्रैकेट अभी तक बंद नहीं हुई अब इसके अंदर हमने एच लिखनी शुरू कर दी है क्योंकि अब जावा का परसेंट का टैग तो क्लोज हो गया है। टी में हम क्या कर रहे हैं अगर आप एच से वाकिफ हैं तो यू कैन फिगर आउट कि यहाँ पे हम एक टेबल की रोक क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर एक सेल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सेशन नंबर की वैल्यू लिख देते हैं फिर उसके बाद एक और सेल क्रिएट करते हैं उसमें टॉपिक की वैल्यू लिख देते हैं एक और सेल क्रिएट करते हैं उसमें असाइनमेंट की वैल्यू लिख देते हैं सेशन नंबर टॉपिक और असाइनमेंट ये तीनों वैल्यूज लिखने के लिए हमने एक्सप्रेशन टैग यहां पे इस्तेमाल किया है एक्सप्रेशन टैग को आपको पता है जो वैल्यू दी जाती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देता है अब यह हमारी क्रो क्रिएट होगी आप जैसे जैसे डेटाबेस से क्रो निकालते जाएंगे HTML टी की भी एक नई रो क्रिएट होती जाएगी तो इसका मतलब है कि ये जो HTML हमने लिखी है ये बार बार चलनी है लूप में चलनी है तब तक चलनी है जब तक हमारा रिजल्ट सेट चल रहा है सो so, अब आप देखें कि हमने दोबारा स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया है अपने वायल की ब्रैकेट क्लोज की है और स्क्रिप्ट का टैग बंद कर दिया है तो जितनी दफा वायल लूप चलेगी उसके अंदर ये वाली एस भी दोबारा से चलेगी हम चाहते तो यहाँ पे ये सारा काम आउट डॉट प्रिंट करके भी कर सकते थे उस केस में हमें ये अपनी जावा की स्टेटमेंट्स ब्रेक ना करनी पड़तीं, जैसे ही हमने यहाँ पे इफ के बाद परसेंट टैग क्लोज कर दिया है एच टी एमएल लिखने के बाद दोबारा टैग ओपन किया है और फिर वायल क्लोज करने के बाद परसेंट टैग क्लोज किया है सो so अगर हम आउट डॉट प्रिंट यूज करें तो हमें अपनी जो जावा की स्टेटमेंट है उनको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा बट दैट इज अपू यू की आप इसको किस तरह करना चाहते हैं तो टेबल रो तो यहाँ पे क्रिएट हो रही है टेबल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है टेबल का एंड टैग आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉटम पे हमने दिया हुआ है लेकिन ये स्टार्ट ये स्टार्ट हमने किया था जावा का कोड स्टार्ट करने से पहले टॉप के ऊपर टॉप यू कैन सी टेबल हमने स्टार्ट किया है और उसकी पहली रो जो की उसकी हेडर वाली रो है उसमें हमने सेशन नंबर टॉपिक्स और असाइनमेंट की हेडिंग दे दी है एग्जेक्टली यही कोड हमारा वेबडोट जीएसपी में है सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे हम जावा की बजाय पैरामीटर के तौर पर कर रहे हैं वेब और इस केस में वेब से रिलेटेड कोर्स आउटलाइन डीबी से आई है इसकी तो कंट्रोलर हमें जावा के पेज पे भेज देगा वहां पर डेटा बेस कनेक्ट होकर हमारे पास एच आई है यहां पर हम इस पेज का व्यू सोर्स लेते हैं अगर आप इस पेज का सोर्स देखें तो आपको कोई जावा का कोड नजर नहीं आ रहा उसकी वजह यह है कि जावा का कोड तो एग्जीक्यूट हुआ आपके वेब सर्वर पे और उस वेब सर्वर ने आपको एच जो है वो रिटर्न की है सो so यूजर के पास हमेशा एच ही पहुंचती है लेकिन ये एच टी एम एल एज यू कैन सी डायनामिकली जनरेट हुई है डेटाबेस में जो कोर्स आउटलाइंस पड़ी होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये एच जनरेट होगी तो जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि हम डायनेमिक कॉन्टेंट जनरेट कर रहे हैं ऐसा कॉन्टेंट विच कैन चेंज इट सेल्फ कैन चेंज विथ टाइम और हमारी एप्लीकेशन को फर्क नहीं पड़ रहा तो वो आप देखते हैं कि अगर ये सर्वलेट हमारे पास ना होता या JSP पेज हमारे पास ना होता तो ये डायनामिक कंटेंट जनरेट करने के लिए हमें हर दफा एक नया HTML पेज कोड करना पड़ता अब आप सिर्फ डेटाबेस में चेंज करेंगे और एक नई आउटलाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी साथ ही साथ मैं चाहता रहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम DB का भी स्ट्रक्चर देखें जो हमने इसके अंदर डीबी बनाई हुई है डीबी तो के अंदर हमारे पास दो टेबल्स है एक कोर्स का टेबल है दूसरा सेशन डिटेल्स का टेबल है कोर्स टेबल वी है कोर्स आई एज वेल एज कोर्स नेम इन द सेशन डिटेल टेबल कोर्स टेबलशिप विद सेशन डिटेल टेबल एंड इन साइड सेशन नंबर टॉपिक एंड असाइनमेंट तो ये दो टेबल्स है जो की हम यूज कर रहे हैं अपनी जावा की इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो आपने एग्जाम्पल देखी इसमें हमने अपने जीएसपी की चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया एंड वी हैव शोन यूर सब्सटेन्शियल कोड

ये स्क्रिप्टलेट जब इस इस JSP पेज से एक सर्वलेट बनेगा तो ये दोनों स्क्रिप्टलेट इकट्ठे होकर उस एक मेथड के अंदर चले जाएंगे सो so, ये जब आप स्क्रिप्टलेट शुरू करते हैं बंद कर देते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रिप्टलेट शुरू करते हैं बंद कर देते हैं इवेंचुअली ये जावा के एक मेथड के अंदर चले जाता है तो वेरिएबल्स का स्कोप और बाकी सारी चीजों के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं सिर्फ हम करते ये हैं कि बीच में जो HTML है उसको HTML की तरह से लिखने के लिए आराम से लिखने के लिए आउट डॉट प्रिंट एल की स्टेटमेंट्स से बचने के लिए हम परसेंट का टैग क्लोज कर देते हैं सीधी सीधी HTML लिखते हैं एंड देन दोबारा जहां पर जावा की जरूरत पड़ती है परसेंट का टैग ओपन करके वहां से जावा दोबारा शुरू कर देते हैं

आपका ट्रांसलेटर क्या करता है जीएसपी ट्रांसलेटर उस एस को पकड़ता है खुद से आउट डॉट प्रिंट की स्टेटमेंट में बंद कर देता है तो ये काम आप भी कर सकते हैं एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट आउट प्रिंट एलन के अंदर एस लिख रहा हूं जिसकी वजह से हम सर्वलेट्स की बजाय जीएसपी में आ थे कि भाई प्रेजेंटेशन करनी है प्रेजेंटेशन के अंदर तो एस बहुत ज्यादा होती है आउट डॉट प्रिंट के अंदर जब एस टी बैठूंगा इट विल बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क सो हमने कहा था कि जी सर्वलेट जावा की प्रोसेसिंग के लिए तो बड़ा अच्छा है एस टी एम एल लिखने के लिए इट्स बेट टफ सो वहां से हम जीएसपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे यू कैन यूज आउट डॉट प्रिंट एल एन ओवर हिस्टर बट उससे बचने के लिए वट यू कैन डू इज यू कैन क्लोज यूर पर्सन टैग अब जावा का कोड खत्म हो गया राइट एस टी एम एल यू राइट एस टी एम एल देन एच टी एम एल खत्म हुई बात अब दोबारा जावा लिखनी है तो पर्सन टैग ऑन कर लें अच्छा मजे की बात जो ये की सारी जो आप बीच में एस टी एमएल लिखेंगे कि दैट विल बी ए पार्ट ऑफ योर जावा कोड सो अगर लूप ऊपर चलना शुरू हुई है और लूप अभी बंद नहीं हुई बीच में html है लूप यहाँ आके बंद हुई है तो ये html भी लूप का पार्ट है ये भी बार बार चलेगी वजह ये है कि जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो html टी ने किन स्टेटमेंट्स में चला जाना है आउट डॉट प्रिंट एल तो आउट डॉट प्रिंट एलन की स्टेटमेंट अब का है वो मेरी लूप के अंदर है मेरी लूप का पार्ट है इसलिए जितनी दफा लूप चलेगी वो स्टेटमेंट्स भी चलेगी ये एस भी उतनी दफा ही बार बार चलेगी तो इसको कोड को देखिएगा आपको आ, समझ आ जाएगा कि क्या इसमें है मैंने डेटाबेस वगैरह वाले पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो हम काफी उस पर लेक्चर्स अपने लगा चुके हैं अगर आपको कोई उसमें मसला आता है तो यू कैन रेफर टू आर ओल्डर हैंडआउट्स या ओल्डर लेक्चर्स को आप देख लें अब यह सारा काम तो हमने कर दिया अब जनाब डेटा की लॉजिक आनी थी वो डेटाबेस की लॉजिक जो है वो हमने पर्सन टैग खोला और जेएसपी पेज के अंदर पूरी लिख दी मसला क्या हुआ यहाँ पे तो एचटीएमएल या प्रेजेंटेशन बहुत स्मॉल सी थी बहुत छोटी सी थी तो क्या हो रहा है कि आप देखें कि पेज के अंदर एचटीएमएल का कोड भी है पेज के अंदर जावा का कोड भी है फिर एच शुरू हो जाती है और जब आपकी बहुत कॉम्पलेक्स एच होगी सिमिलरली आपकी बिजनेस लॉजिक भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी तो आपके कोड क्लटर होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा कोड एक पेज पे आ रहा है एच चल रही है फिर कोड आ गया फिर एच चल रही है फिर कोड आ गया पता चला है कि जनाब दो तीन हजार पे कोड की आपने एक ही पेज में लिखी हुई हैं जिसमें एच भी चल रही है जिसमें जावा भी चल रहा है वो ये सारा प्रॉब्लम आपको क्यों पेश आ रहा है बिकॉज इन दिस वे ऑफ डिजाइनिंग एप्लीकेशन वी हैव मेक्स द प्रेजेंटेशन लॉजिक विद द बिजनेस लॉजिक ये बाकी लॉजिक के साथ हमने डेटा एक्सेस लॉजिक के साथ उसको मिक्स कर दिया है जब प्रेजेंटेशन लॉजिक और डेटा एक्सेस लॉजिक की बात होती है तो ये क्या चीजें हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक हुआ जो कि चीजों को आपको दिखा रही है विच इज योर एच टी बता रही है कि भाई ये जो लफ्स लिखा हुआ है इसको बोल्ड करके लिख दो हेडिंग वन की फॉर्म में लिख दो तो, इसको अंडरलाइन कर दो तो दिस इज योर प्रेजेंटेशन लॉजिक क्लास डॉट फॉर नेम बता रहा है कि भी डाटा बेस से कलेक्ट करना है लेट्स लोड द ड्राइवर तो ये आपकी डेटा एक्सेस लॉजिक है या बिजनेस लॉजिक का भी पार्ट हो सकती है मैं अभी इसको इंटर रिलेट इकट्ठा ही टर्म को यूज करूँ दोनों अलग अलग चीजों के तौर पर आगे आप जाके देखेंगे सामने आती है तो हमारी बिजनेस लॉजिक जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन लॉजिक के साथ मिक्स हो गई है ये अच्छा डिजाइन नहीं है अच्छा डिजाइन इसलिए नहीं होता कि छोटी मोटी अपलिकेशन जैसे हमने ये बनाई यहां तक तो ये चल जाएगा वेन इट कम्स टू लार्जर एप्लीकेशन इट विज वेरी डिफिकल्ट टू मेनटेन दिस कोड अभी आपने देखा है कि हमने अभी डाला ही है डी बी से कनेक्टिविटी का कोड तो कोड हमारा बढ़ गया है जे एस पी पे इतना ज्यादा हो okay, गया अब आप इमेजिन करें कि बहुत ही कोई जबरदस्ती साइट है जिसके अंदर बहुत जबरदस्त ग्राफिक्स इस्तेमाल हुए हैं बहुत जबरदस्ती वेरी कूल एच टी एम एल है इन साइड दैट वेबसाइट वट वुट हैपन हो गया यह कि HTML का इतना ज्यादा सारा कोड था बीच में आप जावा का कोड भी ठोस रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कोड हो गया वाई बिकॉज वी हैव मिक्स टू थिंग्स टुगेदर तो करते हैं ऐसा-ऐसा जो डिजाइन की तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ कि चीज़ों को अलग-अलग रखते हैं प्रेजेंटेशन की चीजों को अलग रखा जाता है आपकी जो है बाकी प्रोसेसिंग की चीजों को उनको अलहदा रखा जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को देखें तो प्रजेंटेशन क्या चीज़ है आपका मोनिटर है वो अलहदा एक चीज़ होती है इनपुट के लिए उस क्या चीज़ है की अलग अलहदा चीज बनाई हुई है प्रोसेसिंग के लिए क्या है आपका सीपीयू अलग-अलग बनाया हुआ है तो चीजों को अलग-अलग करने का फायदा ये होता है कि इट्स ईजियर टू मेंटेन एलसीडी में कोई चेंज आई है तो ये नहीं किबोर्ड भी साथ ही खराब हो गया है या सी भी साथ ही खराब हो गया ऐसा नहीं हुआ सिर्फ आपने एल को या मोनिटर को जाके ठीक करवाना है कीबोर्ड में कोई चेंज आई है तो ये नहीं कि आप उठाए उठाए उसको भी खोल के बैठ गए अपनी एलसीडी को भी खोल के बैठ गए मॉनिटर को खोल के बैठ गए हैं क्योंकि कीबोर्ड मॉनिटर के अंदर ही लगा हुआ है सो so, हम करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट टाइप की लॉजिक्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं यहाँ पे हम ये चाहेंगे की प्रेजेंटेशन जो कि एस में आ रही है और बाकी लॉजिक प्रोसेसिंग की जो लॉजिक है जो की जावा बेस्ड है इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए इन दोनों को अलहदा करने के लिए अब जो चीज आ रही है वो है जावाबिन सो so, हम हम कर तो कुछ सकते हैं जीएसपी के अंदर इस तरह से जावा की लॉजिक लिख के बट देन इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट कोड इट्स वेरी हार्ड टू एक्सटेंड दैट कोड आपने एक एप्लीकेशन बनाई आप चले गए दो एक साल बाद या छह महीने बाद के उसको दोबारा देखने की कोशिश करेंगे उनको समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है ये क्या कुछ कर गया इसी एक पेज के अंदर सो वी ट्राई टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लॉजिक सो इफ यू थिंक अबाउट द इश्यूज विद द लास्ट एग्जाम्पल यू कैन सी देर इज टू मच

हो रहे हैं वही बात है कि एक ही मॉनिटर के अंदर ही कीबोर्ड है उसी के अंदर माउस है उसी में प्रोसेसर है एक ही आपको चीज पकड़ा दी है शीशे का एक टुकड़ा जिसमें सब कुछ हो रहा है छोटी फॉर्म में तो पीडीएज में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसको बनाने में ही ज्यादा इश्यूज है मेनटेन करने में भी वैसे इश्यूज आते हैं सो so, सॉफ्टवेयर में हम चीजों को अलहदा अलहदा करते हैं सो वट द वे ऑफ सेपरेटिंग दिस प्रेजेंटेशन लॉजिक दैट इज आर एच फ्रॉम द जावा कोड दोल्यूशन इज यूज जावा बीन सो वट इज द जावा बीन

खास तरीके से खास ढंग से एक स्पेशल वे में लिख दिया जाए ये उसके पास ऐसा कंस्ट्रक्टर जरूर होगा जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता अबीन क्लास शुड नॉट है इंस्टेंस वेरिएबल्स यानी कि बीन क्लास में कोई पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए जो प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे You'll need to access through getters and setters. So bean class must have a zero argument constructor. It should not have any public instance variable, and the private variables should be accessed through getters and setters. And a bean class must be serializable. So, agar aapki koi class ye char baate yaad char bathe hai, then it can be termed as a Java bean. Let's take a look at the Java bean example we have written a class known as myBean. So public class myBean implements serializable. This is the point it's a serializable class. that we do not have any public instance variable. We have a private variable known as name. So we have a string name which is private. We have a no argument constructor. A constructor that does not accept any argument यहाँ पे जेहन में रखियेगा कि अगर आप कोई अपना कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर आपको एक्सप्लेसिटली लिखना पड़ेगा क्योंकि वो खत्म हो जाता है अदरवाइज अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ देन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट यू गेट इट नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट फिर आप देखेंगे हमारे पास जो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम थी वीव गॉट अटर फॉर दैट सो पब्लिक वर्ड सेट नेम उसको एक स्ट्रिंग गई हुई है और उस नेम को वो वैल्यू असाइन करती है देन वी हैव अ गेटर फॉर दैट नेम पब्लिक स्ट्रिंग Get name and then there is a print method, public word print. So, Bean class, as you can see, is conforming to four conventions. Number one is it is serializable, number two is it has a constructor which does not accept any arguments, number three is it does not have any public instance variables, and number four is that the private values are accessed through getters and setters. अभी हमने जो बीन्स के बारे में बात की उसमें हमने देखा कि जवाब एक जगह की ऑर्डनरी क्लास फाइल है लेकिन उसको कुछ खास कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है इसलिए उसको जावाबीन कहा जाता है जावाबीन को या जावा की कन्वेंशन से या किसी भी चीज को कन्वेंशन से लिखने का फायदा क्या होता है या स्टैंडर्डाइज करने का फायदा क्या होता है जब आप किसी चीज को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं या कुछ कन्वेंशन उस पर अप्लाई कर लेते हैं तो उस चीज को ऑटोमेट किया जा सकता है जावा so बीन्स को हमारे जो टूल्स होते हैं ये मैनुपलेट कर लेते हैं विजुअली उसको पढ़ लेते हैं कि बीन के अंदर क्या है, में आप आगे जाके देखेंगे जीएसपी के टैग्स हैं जिसमें हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखते जो कि जावा से रिजेंबल करती हो, लेकिन वो वर्क कर रही होती है जावा की क्लास फाइल्स के साथ तो अगर जावा की क्लास फाइल किसी स्टैंडर्ड पर नहीं लिखी जाएंगी तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे हम आ, इसके ऊपर एक जावा बीन के ऊपर ये आगे जाके आपको थोड़ा सा भी समझ आएगा अब हम करते हैं कि अम्मी जो हमने एग्जाम्पल आपके सामने की थी जिसमें हमने डेटा बेस से कनेक्ट होकर डेटा रिट्रीव करके दिखाया है ट्राई टू डू इट विद जावा जावांस ये सारा काम जो भी हमने स्क्रिप्टलेट के अंदर किया था परसेंट टाग खोला था डेटा बेस से कनेक्ट करके डेटा लाके दिखा दिया था और हम भी हमने खुद ही कहा था कि जी ये तो कोई अच्छा कोड नहीं है हमने प्रेजेंटेशन को अपनी uh, जो है लॉजिक उसके साथ प्रोसेसिंग लॉजिक उसके साथ मिक्स कर दिया है ट्राई टू सेपरेट इट इन दोनों को अलग-अलग करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अलग-अलग हो जाए और जावा का को कोड अलग हो जाए अब उसमें हम करेंगे क्या कि जावा के कोड को उठा के डाल देते हैं जावा बीन्स के अंदर जावा बीन्स के अंदर उस कोड को डाल देते हैं और एचटीएमएल को हम अपनी जीएसपी पेज के अंदर रहने देते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पे ये आप सोचे कि जब हम जावा बीन्स के अंदर या जावा के फाइल्स के अंदर कोड को लेके जा रहे हैं तो हमारे पास दो तरह का कोड है एक वो कोड है जो कि डेटा को इनकेप्सुलेट कर रहा है जैसे असाइनमेंट क्या है किस सेशन के बारे में है उस सेशन के टॉपिक्स क्या है वैसी है जैसे एक नई डेटा टाइप होती है आपने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है तो नेम एड्रेस फोन नंबर अगर आपने स्टोर करने आप एक क्लास बना लेते हैं क्लास एम्प्लॉय तो नेम एड्रेस और फोन नंबर आपने रख लिया सिमिलरली हमने एक सेशन से रिलेटेड डेटा स्टोर करना है तो हम एक जावा की बीन बना लेंगे जिसमें आ, हम सेशन नंबर रख लेंगे सेशन के टॉपिक्स रख लेंगे असाइनमेंट्स वगैरा रख लेंगे इसके साथ साथ हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी कोड है अच्छा अब जहा से पे मैंने बात की आपको ये आज का टॉपिक थोड़ा हेकटेक होता जा रहा होगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकिन अब हम डिजाइन की तरफ मूव कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी चीजें इतनी रिपीट होंगी कि आपको समझ लगना शुरू हो ही जाएगी कि डेटा का कोड भी हम अलहदा कर देते हैं जनरली आपने शायद आ, अपने जो जब ऑब्जेक्ट इंटरनेशनल एंड डिजाइनिंग सॉफ्ट इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो वहां पे शायद ये भी सीखा हो कि जो हमारा ऐसा कोड होता है जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता है जनरली इट्स बेटर आइडिया टू हैव सेपरेट क्लासेस फॉर दैट कोड और जावा के अंदर एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं डाओ डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट डी तो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ऐसा कोड जो कि डाटा को करेक्ट कर रहा होता है हमें एक क्लास में डाल देते हैं उनका बायशन हम नेम में उनके उन क्लासेस के नेम के एंड में डाओ का वर्ड लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक जावा की क्लास बनाते हैं जो कि डाओ का, का, का काम करेगी यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट होगी और डेटाबेस से डाटा उठा के एक क्लास में भरेगी जो कि इस डाटा को इनकेप्सुलेट करेगी और ये क्लास वापस चली जाएगी हमारे जीएसपी पेज पे जो कि इस डाटा को डिस्प्ले कर देगा तो देखते हैं कि इस कोर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल और वो क्या क्या करती है सो वी विल क्रिएट अ कोर्स आउटलाइन मीन

तो कोर्स डाव की सिर्फ इतनी रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको आप पैरामीटर कोई देंगे पैरामीटर को बेस करते हुए अपनी क्वेरी के थ्रू डेटाबेस से डेटा लेकर आएगा और डेटाबेस से वो डेटा लाके ये जो कोर्स आउटलाइन बीन है इसमें भर के हमें वापस करता जाएगा जीएसपी पेज इसको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे याद रखेंगे जीएसपी पेज में अब डेटा एक्सेस का कोई कोड नहीं होगा सो तो हम अपने कोड को प्रोसेसिंग को अलहदा कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन से जिसकी वजह से मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म जो उसके अंदर एनहैंसमेंट हैं या उसकी स्केलेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हम आपको पहले ये कोड दिखाते हैं फिर दिखाते हैं कि इसको हमने यूज कैसे किया हुआ सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूँ दैट इज कोर्स आउटलाइन बीन ये एक बीन है जिसमे कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनकेप्सुलेट हो जाती है डेटाबेस में जो कोर्स से रिलेटेड एक दिन के लिए एक रो जो पड़ी हुई है उसको एक बीन के ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस बीन को हमने एक पैकेज में रखा है जिसका नाम है वी यू एक डायक्ट्री में यह होगी जिसका नाम होगा वी यू उसके बाद हमने जावर डॉट आयो इम्पोर्ट किया है एंड देन पब्लिक क्लास कोर्स आउटलाइन बीन इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल तो वो जो बीन की एक शर्त थी कि वो सीरियलाइजेबल हो वो हमने पूरी कर दी देन वी हैव डिक्लेयर थ्री प्राइवेट वेरिएबल्स नंबर वन इज सेशन नंबर नंबर टू इज टॉपिक नंबर थ्री इज असाइनमेंट उसके बाद एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है जहां पे इन वेरिएबल्स को इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं सेशन नंबर को जीरो कर दिया है टॉपिक और असाइनमेंट को एम स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज के लिए यानी सेशन नंबर के लिए टॉपिक के लिए और असाइनमेंट के लिए हमने गेटर्स और सेटर्स लिखे है यू कैन सी हमने सेट सेशन नंबर के अंदर सेशन की वैल्यू सेट करवा रहे हैं सेट टॉपिक के अंदर टॉपिक की वैल्यू सेट करवा रहे हैं सेट असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट की वैल्यू सेट करवा रहे हैं इसके बाद हमारे पास तीन गेटर्स आ जाते हैं जहां पे हम इन सब की वैल्यूज गेट कर रहे हैं तो ये तो हमारी वो बीन है जो कि कोर्स आउटलाइन को रिप्रेजेंट है। याद रहे कि ये इंटायर कोर्स आउटलाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बल्कि कोर्स आउटलाइन की एक रो को एक पर्टिकुलर सेशन की डिटेल को रिप्रेजेंट कर रही है तो एक कोर्स आउटलाइन में जितने सेशन होंगे छह सेशन होंगे सात सेशन होंगे आठ सेशन होंगे उतनी ये बीन के ऑब्जेक्ट बनेंगे बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग वन रो विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन सेशन नॉलेज सी के कोर्स डाओ में क्या होता है कोर्स डाओ विच स्टैंड फॉर कोर्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम अपनी डेटा बेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे हमने यहाँ पे कोर्स डाओ के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया है कि इस्टेब्लिश कनेक्शन का मैथड कॉल कर लिया है इस्टब्लिश कनेक्शन के मैथड के अंदर हम ड्राइवर लोड कर रहे हैं ड्राइवर लोड करने के बाद हमने अपना यू आर एल बनाया है यू आर एल बनाने के बाद ड्राइवर मैनेजर को यूज करते हुए कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिया है और ये हमारा इस्टैब्लिश कनेक्शन का मैथड यहाँ पे खत्म हो जाता है सो स्टैब्लिश कनेक्शन का मैथड डेटाबेस से कनेक्शन इस्टैब्लिश कर देता है वंस द कनेक्शन इज इस्टिश द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिट्री द रिजल्ट उसके लिए हमारे पास एक मैथड है जो कि पब्लिक रेलिस्ट रिट्रीव कोर्स लिस्ट के नाम से है ये मेथड एक स्ट्रिंग लेता है एज अ पैरामीटर और ये स्ट्रिंग कोर्स का नाम होगी। यानी कि इसको जो कोर्स का नाम देंगे उसके मुताबिक ये हमें उस कोर्स की सेशन की डिटेल्स दे देगा मेथड का नाम है रिट्रीव कोर्स लिस्ट और जो चीज ये हमें रिटर्न करता है वह एक रेल लिस्ट है अरे लिस्ट हम क्यों रिटर्न करें जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक सेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जावाबिन का ऑब्जेक्ट है जो की कोर्स आउटलाइन है और हमारे क्योंकि एक कोर्स आउटलाइन के अंदर बहुत सारे सेशन होते हैं सेशन वन है सेशन टू है सेशन थ्री है सेशन फोर है तो इसका मतलब है कि जितने सेशन होंगे उतने ही जवाबीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट को हमने एक अरे लिस्ट में रखेंगे और उस अरे लिस्ट को इस फंक्शन से रिटर्न करवा देंगे अब कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू हम कर गए रहे हैं कि इस एसक्यूएल को हमने पास किया और हमारे पास एक प्रिपेर्ड स्टेटमेंट आ गई है उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग सेट की है जो कि कोर्स का नाम है सो so, अगर यूजर ने जावा दिया होगा तो यहाँ जावा सेट हो जाएगा यूजर ने वेब दिया होगा तो यहाँ पे वेब सेट हो जाएगा ये काम करने के बाद हमने वाइल लूप लगाई है ये वही वाइल लूप है जो कि पहले लगी हुई थी हमारे स्क्रिप्लेट के अंदर वाइल लूप की एक एल्ट्रेशन में हम डेटाबे से एक रो निकाल लेते हैं और ये डेटाबे से हम तब तक रोज निकालते रहेंगे जब तक के हमारे पास कोर्स से रिलेटेड सेशन की डिटेल आती रहेगी जैसे जैसे हमने एक रो निकाली है जैसे आर एस सेशन नंबर किया है फिर आर एस टॉपिक किया है आर एस असाइनमेंट किया है इन तीनों वैल्यूज को हमने कोर्स आउटलाइन बीन के हवाले किया है और उसको अपने जो अरे लिस्ट कोर्स लिस्ट उसमें ऐड कर दिया है ये या आपको याद हो अगर हमने जब एड्रेस बुक बनाई थी तो एड्रेस बुक के अंदर हम क्या करते थे कि यूजर से वैल्यूज लेते थे या फाइल से वैल्यूज पढ़ते थे और वैल्यूज पे बेस करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते होते थे और उस ऑब्जेक्ट को एक रेलिस्ट में हम ऐड कर लेते थे बिल्कुल एक्जैक्टली exactly यही काम यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यूजर से वैल्यूज लेने की बजाय या फाइल से वैल्यूज पढ़ने की बजाय हम इस दफा वैल्यूज पढ़ते हैं डेटा से डेटा so बेस जैसे ही एक रोज की वैल्यूज रिसीव होती हैं, उन वैल्यूज को यूज करके हम कोर्स आउटलाइन मीन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अपनी एक रे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है कोर्स लिस्ट फंक्शन के एंड में हम इस कोर्स लिस्ट को यहां से रिटर्न करा देते हैं ये सारा कोर्स जो है ये आप देखेंगे ट्राय कैश के अंदर लिखा गया है try के अंदर हमारा वो सारा कोड है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करे catch के अंदर जो एक्सेप्शन है फिलहाल हमने उसको सिर्फ प्रिंट कराने पे इतफा किया है इसके बाद फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने एक मेथड कॉल किया है जिसका नाम है रिलीज रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया था कि फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे कोई एक्सेप्शन आए या ना आए तो रिलीज रिसोर्सेज का मैथड ऐसा है की जो की हमेशा एग्जीक्यूट होगा इस मैथड के अंदर अगर हमारा कनेक्शन हमारे पास है या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया है तो ये इसलिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस के पास सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं और अगर आप अपने कनेक्शंस रिलीज नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे तो कोर्स टाव के अंदर हम कर ये रहे हैं दोबारा से मैं रि कर देता हूँ हमारे पास दो कोर्सेज है वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जवा का कोर्स है यूजर ने जो भी वैल्यू दी होती है उस वैल्यू पे बेस करके हम डेटाबेस में से रोज निकालते हैं आई करके एक एक रो निकालते हैं उस रो की वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में भरते हैं जो कि कोर्स आउटलाइन बीन टाइप का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को एक रेलिस्ट में डाल देते हैं एंड में ये हम ये रे लिस्ट रिटर्न कर देते हैं आगे देखते हैं जावर डॉट जीएसपी वेब डॉट जीएसपी काम हमने क्या किया है? अगर आप जावर पेज का कोर्ड देखे तो फिर वही मैं एस टी एम एल का पार्ट तो इस दफा इग्नोर कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पर्सेंट टैग यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन होता है वहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन वगैरह और इसके लिए सारा कोड अब यहाँ से खत्म हो चुका हुआ है मुझे डेटा बेस से वैल्यूज लानी है डेटा बेस से वैल्यूज यहाँ पे कौन लेकर आ रहा है कोर्स डाव कोर्स डाउ का ऑब्जेक्ट जो है डेटा बेस से वैल्यूज आता है तो मैंने एक कोर्स डाउ का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कोर्स डाउ के अंदर हमने एक मैथड देखा था रिट्रीव कोर्स लिस्ट रिट्रीव कोर्स लिस्ट के बारे में हमने बात की कि जो इसको आप पास करेंगे स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर चाहे वो जावा हो या वो वेब हो ये उससे रिलेटेड पूरी की पूरी लिस्ट आपको लाके दे देगा उसके सेशंस की डिटेल लाके दे देगा एक लिस्ट के फॉर्म में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक रे लिस्ट डिक्लेयर की है जिसका नाम है कोर्स लिस्ट और वो कोर्स लिस्ट कहाँ से हमें मिल रही है वो कोर्स डाओ के रिट्रीव कोर्स लिस्ट मेथड का रिटर्न ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें रिसीव हो रही है अब कोर्स लिस्ट वाली रे लिस्ट के अंदर सारे सेशंस की डिटेल पड़ी हुई है करेंगे हम क्या कि हम इसके ऊपर लूप करेंगे इस कोर्स लिस्ट वाली लिस्ट पे एक, -एक करके इसमें से ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यूज निकाल के डिस्प्ले करवा देंगे आपको पता है कि जब आप रे लिस्ट में से वैल्यूज निकालते हैं तो उसको उसकी प्रोप्रिय डेटा टाइप में हम कास्ट करते हैं तो क्योंकि रे लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने भरे है उस मैथड के अंदर उसकी डेटा टाइप है कोर्स आउटलाइन बीन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है कि एक एक करके ऑब्जेक्ट गेट किया है और उसको एक जावा बीन नाम के वेरिएबल में रख हैं इस जावा बीन नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है इसकी डेटा टाइप है कोर्स आउटलाइन बीन इसके बाद हमने जावा बीन के तीनों सेटर्स कॉल किया गेट सेशन नंबर गेट टॉपिक गेट असाइनमेंट जहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी और इन वैल्यूज को हमने टेबल की रोह के तौर पर प्रिंट कर दिया है नीचे आके फॉलूप का एंड आता है जब तक लूप चलती रहेगी एक नई बीन हमें हर अल्ट्रेशन में मिलेगी उस अल्ट्रेशन के अंदर उस बीन में से वैल्यूज निकाल के हम प्रिंट कर देंगे इस पेज के मैं आपको चाहूंगा कि आप टॉप पे भी देखें टॉप के पास दो चीजें इंपोर्ट की हैं। एक जावाडॉट यूटेल इम्पोर्ट किया है वो आप गेस कर सकते है कि क्यों इम्पोर्ट किया क्योंकि क्यों हम रेलिस्ट यूज कर रहे हैं दूसरी चीज जो हमने इम्पोर्ट किया वो वी यू डॉट स्टारे ये हमने क्यों इम्पोर्ट किया क्योंकि जो कोर्स आउटलाइन बीन है जब हमने बनाई थी तो हमने उसको एक पैकेज में रखा था जिसका नाम था वी तो अगर हमने उसको यूज करना है विदाउट पैकेज पे तो हमें वीयू का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा तो अपनी बीन्स वगैरह हमेशा किसी पैकेज में बनाएं कि आप डिजाइन में देखेंगे कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो एक पैकेज में पड़े होंगे बीस सारी एक और पैकेज में पड़ी होंगी तो अपने कॉन्टेंट्स को डिफरेंट पैकेज में डिफरेंट डायरेक्टरीज में अरेज करना शुरू कर दें ताकि आप एक अच्छे डिजाइन की तरफ मूव करते चले जाए अब अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन देखें तो इसकी एग्जीक्यूशन भी वैसी होगी एक्जेक्टली exactly जैसे कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट की थी एग्जीक्यूशन में डिफरेंस नहीं है लेकिन जो डिफरेंस मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा वो आप देखें, इस अगर आप देखेंेशन का जावर डॉट जीएसपी पेज के अंदर अगर आप जावा की लॉजिक पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हमने कुछ तकरीबन छह सात लाइनें लिखी हैं जावा की अब इसके बरस अगर आप वो जो हमारा पुराना जावा पेज था जिसके अंदर हमने स्क्रिप्ट में सारा कोड लिखा था अगर आप उसको देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जावा का कोड काफी ज्यादा है इसमें क्योंकि हमने डेटाबेस भी कलेक्ट कर रहे हैं फिर वायरल लूप के अंदर प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और सारा काम यहीं पे हो रहा है तो आपके सामने एग्जाम्पल रखिये उसमें हमने जावा बीन का इस्तेमाल किया है जिसमें हमारी सारी की सारी लॉजिक हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लॉजिक उसमें चली जाए फिर जी पेज के अंदर जावा का कोड है आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि जी पेज में जावा का कोड रिड्यूस होता जा रहा है और बाकी जगहों पे जावा का को कोड जावा की फाइल्स में ज्यादा जाता जा, जा रहा है और उनमें भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है बिल्कुल ऐसी जैसे आप रिव्यू में पढ़ रहे हैं डिफरेंट कोर्सिस लेते हैं तो डिफरेंट टीचर्स आके पढ़ा रहे है जो डेटा के एक्सपर्ट हैं, वो डेटा का कोर्स पढ़ा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव रेटेड प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं, वो उसका कोर्स पढ़ा रहे हैं जो नेटवर्क्स के टीचर हैं, वो उनके कोर्सेस पढ़ा रहे हैं तो जिनकी जो स्पेशियलिटी होती है वो वो कोर्स पढ़ाते हैं सिमिलरली एक क्लास को भी हम यहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं कि भाई तुमने डेटा एक्सेस करना है इसलिए तुम तुम्हारा खाली काम डेटा एक्सेस का है उसको हमने डाओ का नाम दे दिया फिर इसी तरह बिजनेस प्रोसेसिंग के हम अलग अलग क्लासेस बना लेंगे बाकी सब चीज प्रेजेंटेशन की अलग-अलग क्लासेस हमने बना देंगे भाई तुम्हारा काम सिर्फ प्रेजेंट करना है ताकि हर चीज़ की एक स्पेषलिटी और वो उसी काम को अच्छे तरीके से करे। इमेजिन के अगर आप नाइन्थ क्लास में थे या जब एफएससी एस वगैरह में कुछ कर रहे थे तो एक ही टीचर सारे कोर्सेस पढ़ाता तो अब क्या होता भाई एक टीचर है वो अब फिजिक्स भी पढ़ा रहा है केमेस्ट्री भी पढ़ा रहा है उर्दू भी पढ़ा रहा है इंग्लिश भी पढ़ा रहा है अब उसकी उर्दू वो अच्छी नहीं पढ़ा रहा अब आप क्या करें भाई उसको छेड़ेंगे तो अगर इसको हिलाते हैं तो ये फिजिक्स भी पढ़ा रहा है केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी तो हर चीज़ का स्पेशल टीचर है अब फायदा क्या हुआ कि अगर एक टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है या इस कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको देख सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं उस स्पेशल जगह पर पे स्पेशल टीचर के साथ हर चीज अलहदा है तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी ऐसी होता है कि जिस क्लास के हम देखते हैं कि क्लासेस क्या काम करती हैं, एंड बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनैलिटी वी डिवाइड दिस क्लासेस इनटू डिफरेंट लेयर्स हर लेयर की अलग-अलग स्पेशलिटी होती है डेटा एक्सेस की सेपरेट क्लासेस होती हैं प्रेजेंटेशन की सेपरेट क्लासेस होती है कंट्रोल की सेपरेट क्लासेज होती हैं वील सी के क्या सारा कुछ होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम आहिस्ते आता डिजाइन को भी इंकारट करें आज जो हमने डिजाइन किया है जावा जब जीएसपी बेस्ड और सबलेट बेस्ड आप प्रोग्रामिंग पढ़े तो दो तरह के डिजाइन आपके सामने बहुत आएंगे एक को मॉडल वन कहा जाता है दूसरे को मॉडल टू आर्किटेक्चर कहा जाता है आज जो हमने डिजाइन आपके सामने पेश किया दैट इज मॉडल वन आर्किटेक्चर जिसमें हम जीएसपी और जावा बीन्स को कम्बाइन करके काम करते हैं फिगर दैट वी हैव अ ब्राउजर ब्राउजर इंटरेक्ट विद जीएसपी यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जीएसपी कैन कनेक्ट टू द डेटा बेस एंड डू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग और वो प्रोसेसिंग या कनेक्टिविटी वगैरह जो होती है वो जावा बीन्स या जावा की स्पेशलाइज क्लासेस में हो रही होती है सिमिलरली जीएसपी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर तो मॉडल वन आर्किटेक्चर में जी एस पी जीएसपी के साथ बातें करते हैं जी एस पी ने जो जावा से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग करवानी है जो बिजनेस लॉजिक है जो डेटा बेस्ड एक्सेस है वो सारी की सारी जावा बेस्ड लॉजिक को हम अल अदा क्लासेस में रखते हैं जिनको जावा बीन्स कहा जाता है

जो प्रोसेसिंग है सारी वो जावाब की क्लासेस में हो रही है जिनको हमने यहाँ पे बीन का नाम दिया यू कैन सी मॉडल वन आर्किटेक्चर के जी एस GSP से बातें करते हैं बीन से बातें करते हैं और यूजर को इनपुट और आउटपुट नजर आती है सो so, आज जो हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने देखा है कि जावाबींस का क्या इस्तेमाल होता है जावाबीन्स को हमने फोकस किया है कि स्पेसिफिकली जब जावा का कोड बहुत ज्यादा हो रहा है डेटा से रिलेटेड प्रोसेसिंग है कुछ और बिजनेस प्रोसेसिंग है तो बजाय इनको क्या आप जीएसपी पेज के अंदर ही करें इनको उठा के अलग अलग क्लासेस में ले जाए और उन क्लासेस को किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने लिखा है फ्रॉम योर बिजनेस लॉजिक फ्रॉम यूर डेटा एक्सेस लॉजिक प्रेजेंटेशन लॉजिक एच टी एम एल जीएसपी बेस्ड फाइल्स में चले गई डेटा एक्सेस या बिजनेस लॉजिक जावा बेस्ड फाइल के अंदर आगे मॉडल वन आर्किटेक्चर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आर्किटेक्चर्स पे फर्दर डिस्कशन करेंगे इसी गुफ्तू को लेके आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो रही हैं स्टेज से ऑनवर्ड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रीडिंग भी करके आए ये कोड अच्छी तरह देख के आए पिछला कोड हर दफा नेक्स्ट लेक्चर में जब आए तो पीछे जो हमने कोड एग्जाम्पल्स आपको दी होटलीस्ट उनको अच्छी तरह वॉक थ्रू करके हैं ताकि आपको पता हो कि वहाँ क्या हुआ था क्योंकि हम उसी से आगे बात अपनी बढ़ाएंगे तो सर्वलेट्स और JSP पे एक कम्पलीट रिवीजन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा ताकि हम अपने आगे फर्दर डिज़ाइन को भी आगे बढ़ाएं इनशाला उसमें मॉडल टू और बाकी आगे लेक्चर्स जो होंगे उसमें मॉडल टू लेक्चर मॉडल टू आर्किटेक्चर और JSPs और सर्वलेट्स की और एडवांस चीज़ों के ऊपर बात होगी अल्लाह हाफिज़